हेलो दोस्तों, लो जी आईआरसीसी की जो स्ट्राइक चल रही है, फेडरल वर्कर्स की जो स्ट्राइक चल रही है, उसका एक दिन ऑलमोस्ट 12 मिनट बचे हैं, वो कंप्लीट होने वाला है। तो सबका एक क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है, सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ जी स्टार्ट तो हो गई है स्ट्राइक, खत्म कब होगी। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हाँ जी कब खत्म होने के चांसेस हैं, और आज पहला दिन कैसा रहा, कोई रिजल्ट आया, कोई फेयर डील दोनों ग्रुप्स को मिली या नहीं मिली, वो सारी चीजें का इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट इमेजिन कितनी हेल्पफुल वीडियो होगी, क्योंकि कड़ी नजर हमने रखी हुई है इस न्यूज पे, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सबके लिए, स्पेशली क्योंकि हमारी वीजा एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, पासपोर्ट सर्विसेज हो गई, या आईआरसीसी का हमने कुछ कॉल करना है, मैसेज करना है, जब वो डिले हो जाएंगी सर्विसेज, सो जस्ट इमेजिन गाइज। और सीआरए के वर्कर्स भी इन्वॉल्व हैं, और टैक्स भरने के लिए डेडलाइन अभी बस थोड़े दिन ही बचे हैं, तो जस्ट इमेजिन कितना कुछ उससे इफेक्ट हो सकता है। तो गाइज ये बहुत 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 एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि हाँ जी फर्स्ट डे कैसा रहा, और ये स्ट्राइक खत्म होगी या नहीं होगी, होगी अगर खत्म होगी तो कब होगी, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो डिस्कस करने से पहले गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, आप काफी सपोर्ट कर रहे हो, एंड एज आई ऑलवेज प्रॉमिस कि हाँ यार ठीक है, हम अच्छे अच्छे टॉपिक आपके पास पहुंचाते रहेंगे, अच्छी अच्छी न्यूज आपके पास पहुंचाते रहेंगे, ऑथेंटिक न्यूज पहुंचाएंगे, एंड इसलिए गाइस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे। एंड चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हाँ जी वेंसडे से आईआरसीसी वर्कर्स, फेडरल वर्कर्स ने बोल दिया कि हाँ जी हमें प्रॉब्लम है अपनी वेज से, ठीक है जी, हमें प्रॉब्लम है अपनी सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी से, हमें प्रॉब्लम है रिमोट वर्क से, तो भाई हमारे से नेगोशिएट करो, अदरवाइज हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो उन्होंने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी थी वेंसडे से। तो आज पहला दिन, 10 मिनट बचे हैं, पूरा एक दिन होने वाला है, तो सबके दिमाग में ये चल रहा है गाइस, लाखों लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि हाँ जी भाई स्टार्ट तो हो गई है, खत्म कब होगी। कितने लोगों ने गाइस इमिग्रेशन के लिए अपनी फाइल जो है वो प्रोसेसिंग के लिए दी हुई है आईआरसीसी को, ठीक है, तो उनके लिए चाहे वो वर्क परमिट है, चाहे वो विजिटर वीजा है, चाहे वो आपका फिर डायरेक्ट पीआर हो गई, चाहे कोई कुछ भी है गाइस, तो बहुत सारे लोग गाइस आईआरसीसी पे डिपेंडेंट हैं इस टाइम पे, बहुत सारे लोगों के एप्लीकेशंस उसमें है। पहले डिले हो रहा था इतना ज्यादा, अब ये स्ट्राइक के चक्कर में और डिले हो जाएगा, सबके दिमाग में ये चीज आ रही है कि हाँ जी अब क्या करें, कैसे होगा, ये स्ट्राइक खत्म होगी तो कब होगी। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, कड़ी नजर हमने रखी हुई है इस न्यूज पे, मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट डे हुआ तो क्या हुआ, कोई रिजल्ट आया स्ट्राइक का, कुछ क्या उसके इफेक्ट्स हुए, या फिर क्या उसका रिजल्ट आया जब उन्होंने बात की ऑटवा पार्लियामेंट हिल में। तो मैं आपको बता देता हूं गाइस, आज डिस्कशन हुई, ठीक है, पार्लियामेंट हिल जो कि ऑटवा में है वहां पे, तो बट दोनों ने अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उन्होंने कहा ये है जी, उन्होंने कहा ये है। तो जैसे कि आपको पता है जी, स्पीकिंग टर्म्स दोनों की अभी फिलहाल के लिए अच्छी नहीं चल रही, तो वो एक पॉइंट पे नहीं पहुंच रहे, ठीक है जी, तो उसकी रिलेटेड पॉइंट आ रहा है जी कि हाँ जी चलो ठीक है जी, वो ये कह रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि ये खत्म कब होगी, ठीक है। तो गाइज खत्म ये है कि उन्होंने बोला है कि जी क्लियरली बोल दिया गाइज, जो हमारे वर्कर्स हैं, फेडरल वर्कर्स हैं, उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हाँ जी ये स्ट्राइक तब तक चलेगी जब तक हमें फेयर डील नहीं मिलती। काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि गाइज अब इसका कुछ नहीं बोल सकते, फर्स्ट डे का गाइज ये रिजल्ट है कि हाँ जी उन्होंने बोल दिया जब तक हमें फेयर डील नहीं मिलती जी हम नहीं रुकने वाले, हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी, हम काफी टाइम से वेट कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो जी हम तो कंटिन्यू रखेंगे। तो लोगों को काफी प्रॉब्लम्स हो रही है गाइज, डेफिनेटली हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा काफी लोग डिपेंडेंट है आईआरसीसी पे, क्योंकि इमिग्रेशन बहुत ज्यादा है कैनेडा की। तो रिजल्ट आया जी, अभी आईआरसीसी स्ट्राइक पे ही रहेंगे जो वर्कर्स हैं, फेडरल वर्कर्स स्ट्राइक पे ही रहेंगे, कल दूसरा दिन स्टार्ट हो जाएगा, कल भी स्ट्राइक होगी। तो गाइस ये कोई कुछ नहीं हुआ आज की डेट में, कोई रिजल्ट नहीं आया, अभी भी उनके बीच में डिस्कशन चल रही है, गवर्नमेंट और जो फेडरल वर्कर्स हैं, ठीक है, पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कैनेडा वाले जो हैं वो कह रहे हैं जी हमें जब तक कोई फेयर डील नहीं मिलती हम नहीं रुकने वाले, हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी, ठीक है जी। तो ये है आज का जो एक नटशेल में निकल के आया गाइस कि हाँ जी आज की जो
आप बोल सकते हो कि एक दिन में जो रिजल्ट आया स्ट्राइक का वो ये जी अभी कोई नतीजा नहीं निकला इस चीज का, कोई रिजल्ट नहीं आया, तो कल भी ये स्ट्राइक जो है वो कंटिन्यू रहेगी एंड अक्रॉस द कंट्री है। जस्ट इमेजिन कितना कुछ हो रहा होगा अक्रॉस द कंट्री है गाइस। ये तो अनफॉर्चुनेटली ये न्यूज ज्यादा अच्छी नहीं है सबके लिए, राइट? तो किसी का वर्क वीजा फंसा हुआ है, किसी का स्टडी वीजा फंसा हुआ है, या फिर किसी की पीआर की एप्लीकेशन फंसी हुई है, विजिटर वीजा फंसा हुआ है, तो गाइज वी नीड टू हैव पेशेंस, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? बाकी गाइज कल देखते हैं जी कल क्या होता है, फिंगर्स आर क्रॉस, आई जस्ट विश कि जल्दी जल्दी इसका रिजल्ट निकले, जल्दी जल्दी दोनों एक पॉइंट पे आ जाए और ये चीज सॉर्ट आउट हो जाए ताकि सब चीजें दोबारा से ट्रैक पे आ जाएं। अदरवाइज गाइस बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सब लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? तो कल भी गाइस हम इस न्यूज पे कड़ी नजर रखेंगे, आप चैनल के साथ बने रहिए गाइस, ठीक है? आपको मैं कोशिश करूंगा कि हाँ जैसे ही कोई अपडेशन आती है मैं आपके साथ शेयर करूं, इसलिए गाइस नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा देना ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए, ठीक है? बाकी थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज, आप काफी सपोर्ट कर रहे हो एंड चैनल के साथ जुड़े हुए हो स्पेशली इस न्यूज को लेके। तो मैंने भी गाइज आपको पहले दिन का हाल सारा बता दिया कि हाँ जी ये चल रहा है आज की डेट में, ठीक है जी? बाकी आई विल सी यू टुमारो, अभी 5 मिनट बचे हैं गाइज दिन खत्म होने में, तो कल देखते हैं जी क्या होता है। बाकी आप पेशेंस रखो, थोड़ा मोटिवेशन रखो, आई नो डिसहार्टनिंग है सबके लिए, पहले इतना लोग वेट कर रहे हैं और वेट करना पड़ेगा, बट गाइज कोई बात नहीं, हमारे कंट्रोल में कुछ है नहीं, तो हमारे लिए पेशेंस के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते, राइट? तो स्टे पेशेंट, ठीक है? आपको फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाकी टेक केयर, इंजॉय योर डे एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।